हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 8th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके रोल्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टूल्स, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए टूल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, और व्हाट इज़ स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के बारे में। तो थ्योरेटिकल नॉलेज लेने से पहले थोड़ा सा इसको हम आसान लफ्ज़ों में समझा देते हैं कि ये होता क्या है। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें हम डायग्राम्स की हेल्प से एक सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन होती है उसको पोर्ट्रे करते हैं, उसको दिखाते हैं, दर्शाते हैं। सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को पोर्ट्रे करने का मतलब होता है कि एक सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में कैसे कनेक्टिविटी है, वो सब काम कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को एक डायग्राम की हेल्प से समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का एक डायग्राम हम लोग जानते हैं जिसमें हम इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि इनपुट डिवाइस डेटा भेजता है प्रोसेसिंग यूनिट के पास, उसके बाद वो मेमोरी में स्टोर होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट दिखता है। तो ये क्या होता है, हमारे पास एक डायग्राम पड़ा होता है जिसे हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम हमें क्या करता है, पोर्ट्रे करता है कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन का ही क्यों ना हम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करें तो उसमें हम डायग्राम्स की हेल्प लेते हैं और इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो डायग्राम है, यहाँ पर एक ब्लू कलर का मान लेते हैं मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं। तो ये एक तरह से सिस्टम को दर्शा रहा है कि किसी तरह का एक सिस्टम है मेन, उसके अंदर इतनी इतनी चीज़ें हैं, इतने इतने कंपोनेंट हैं, इतने सब कंपोनेंट्स हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इज़ अ टेक्निक डैट यूजेज ग्राफिकल डायग्राम टू डेवलप एंड पोर्ट्रे सिस्टम स्पेसिफिकेशंस डैट आर इजली अंडरस्टूड बाय द यूजर्स। इट मीन्स कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डायग्राम्स का यूज़ करते हैं किसी भी तरह के सिस्टम को डेवलप करने के लिए या उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके कंपोनेंट्स, उसको मॉड्यूल्स में तोड़कर अच्छे से दिखाने के लिए। ठीक है, किसको दिखाएंगे, हम यूज़र को दिखाएंगे, जिससे क्या होगा वो अपने सिस्टम को अच्छे से समझ पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी तरह का सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, अगर उसकी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है, उसके लिए कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, तो अगर हम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस यूज़ करेंगे तो क्या कर पाएंगे, हम उसको कंपोनेंट्स में तोड़ पाएंगे और उसके हर एक कंपोनेंट के बीच की फंक्शनैलिटीज़ और वो कैसे काम करते हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें हम जान पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इज अ डेवलपमेंट मेथड डैट अलाउ द एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड इट्स एक्टिविटीज इन अ लॉजिकल वे। इट मीन्स कि ये एक ऐसा डेवलपमेंट मेथड है जो अलाउ करता है एक एनालिस्ट को, जो सिस्टम एनालिस्ट होता है उसको, कि वो सिस्टम को समझ सके या उसकी एक्टिविटीज़, उसकी हरकतें, किस तरीके से वो काम कर रहा है, इन सभी को समझ सके एक लॉजिकल वे में। ठीक है, यानी कि कोई कंपोनेंट एक सिस्टम में प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है, उसको उस जगह पर रखा गया है तो क्यों रखा गया है, यानी कि हर चीज़ जो किसी जगह पर प्लेस्ड है तो उसका एक रीज़न होना चाहिए। ठीक है, कि क्यों वो एक सिस्टम में मौजूद है। तो एक लॉजिकल वे में सिस्टम को समझने में हमारा जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है वो हमें हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच विच यूजेज ग्राफिकल टूल्स डैट एनालाइज एंड रिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड डेवलप अ न्यू सिस्टम स्पेसिफिकेशन विच कैन बी ईजली अंडरस्टूड बाई द यूज़र। अब इसको ज़रा तोड़ कर समझते हैं। इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी कि ये एक तरह का सिस्टमैटिक अप्रोच है जहाँ पर एक सिस्टम के हिसाब से काम होता है, यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो कर हमें काम को करना होता है। इन दिस वी यूज़ ग्राफिकल टूल्स डैट एनालाइज एंड रिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ टूल्स, ग्राफिकल टूल्स जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, उनका यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए सिस्टम को और रिफाइन करने के लिए। रिफाइन करने का मतलब हो उसको फिर से बेहतर बनाना। ठीक है, किसको, एग्जिस्टिंग सिस्टम को बेहतर बनाना, यानी कि जो भी हमारा पुराना सिस्टम कैसे भी था, कैसे भी काम कर रहा था, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे वो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम में हर चीज़ आती है, जो हर तरह का ग्रुप ऑफ कंपोनेंट जो एक साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, तो वो कोई भी चीज़ हो उसको अगर रिफाइन करना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस को। ठीक है, एंड डेवलप अ न्यू सिस्टम स्पेसिफिकेशन, और इसको रिफाइन करने के बाद इसको यूज़ करते हैं जिससे हम नए सिस्टम को बना सकें। ठीक है, हम जो पुराना सिस्टम है उसको रीडिज़ाइन करते हैं, रीडिज़ाइन करना आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, उसको रिफाइन करते हैं, एक नया सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को बनाते हैं जिससे जो यूज़र है उसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके या समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है द बेसिक गोल ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द सिस्टम फेलियर।
इट मींस कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस या स्ट्रक्चर डिज़ाइन का काम यही है कि एक सिस्टम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाना वक्त के साथ साथ, और उसका जो फेलियर हो ठीक है चांसेस बहुत कम कर देना, यानी कि सिस्टम के जो फेलियर हैं उसके चांसेस क्या कर दें हम कम कर सकें, उसके रिस्क को हम मिनिमम कर सकें एकदम। तो ये हमने समझ लिया स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होती है। अब बात करते हैं इसके टूल्स की, यानी कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए कौन से टूल्स को यूज़ किया जाता है। तो जो टूल्स यूज़ होते हैं वो है DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, सूडो कोड, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि DFD क्या होता है। DFD पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक छोटा सा ग्लिम्प ले लेते हैं कि DFD होता क्या है। तो देखिए, DFD एक तरह का ऐसा डायग्राम होता है जो डेटा के फ्लो को दिखाता है, यानी कि एक सिस्टम के बीच में जो कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टम के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में डेटा किस तरीके से फ्लो होता है वो एक DFD दर्शाता है। यहाँ पे मैरिज हॉल बुकिंग की एक DFD बनी हुई है। मान लेते हैं मैरिज हॉल बुक करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, तो यूज़र और एडमिन दो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यूज़र ने इस सॉफ्टवेयर को ओपन किया, रिक्वेस्ट की कि हमें ढेर सारे मैरिज हॉल्स दिखाओ, ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर ने उसको जितने भी अवेलेबल मैरिज हॉल्स थे उसको दिखाया। तो यूज़र ने क्या किया, रिक्वेस्ट कर दी कि हाँ एक काम करो इसको हमारे लिए बुक कर दो। अब एडमिन ने लॉगिन किया एडमिन पैनल पर, तो एडमिन ने देखा कि हाँ इस यूज़र ने क्या किया है, रिक्वेस्ट की है मैरिज हॉल की बुकिंग के लिए, ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट के हिसाब से उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, ठीक है। जब उसने रिस्पॉन्स किया तो ये रिस्पॉन्स गया मैरिज हॉल बुकिंग को, यानी कि उस वेबसाइट को, और उस वेबसाइट की हेल्प से या उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से वापस जाता है रिस्पॉन्स किसको जाता है, एडमिन का रिस्पॉन्स यूज़र को जाता है कि हाँ आपका जो मैरिज हॉल है, आपका जो मैरिज हॉल है वो क्या हो गया है, बुक हो गया है आपके लिए इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, जिस पे भी आपने रिक्वेस्ट किया था अभी। तो इसने क्या किया, मैरिज हॉल बुकिंग करने के प्रोसेस को हमें एक डायग्राम की हेल्प से समझाया, ठीक है। तो यही होता है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था, ये बहुत बड़े बड़े DFD बनते हैं, हमने यहाँ पे एकदम छोटा सा DFD को लेकर आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेटा डिक्शनरी के बारे में। तो डेटा डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस। डेटा डिक्शनरी क्या रखती है, इन्फॉर्मेशन रखती है, किसके बारे में, डेटाबेस के बारे में। अगर आपने इससे पहले DBMS का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि डेटाबेस बनता है, यानी कि जो ऑनलाइन हमारा जो भी डेटा होता है वो एक डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। अब उस डेटाबेस में क्या होता है, ढेर सारी टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स में ढेर सारी फील्ड्स होती हैं, जिसे आप कॉलम भी कह सकते हैं या कॉलम नेम भी कह सकते हैं, ठीक है। इन फील्ड्स में अकॉर्डिंगली हमारा डेटा जाके स्टोर होता है। अब इन फील्ड्स का अलग अलग नाम होता है, जैसे कि क्लाइंट ID, क्लाइंट नेम, पासवर्ड, मैक्सिमम यूज़र्स, ईमेल ID वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह की फील्ड्स होती हैं जिनमें हमारा डेटा जाके प्रॉपरली स्टोर होता है। अब ये फील्ड्स किस तरह का डेटा स्टोर कर सकती हैं उसकी भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है, कि इस फील्ड में जैसे क्लाइंट आईडी में नंबर टाइप का डेटा स्टोर होगा, क्लाइंट नेम में हमारा वायर कैर यानी कि टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर होगा। अब इनकी कुछ लेंथ भी होगी कि इस फील्ड में 30 कैरेक्टर से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। बस ये समझ लीजिए कि डेटाबेस के बारे में जो जानकारी होती है कि आपका जो डेटाबेस है उसमें कितनी टेबल्स हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इन सभी की जानकारी का जो कलेक्शन होता है उसे हम कहते हैं डेटा डिक्शनरी। फिलहाल के लिए ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा समझा दिया इस वीडियो में, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स पर अलग से वीडियो डेडिकेटेड हम बनाएंगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ स्ट्रक्चर डिज़ाइन, स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या होता है। अब तो पहला पॉइंट कह रहा है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज़ अ कंसेप्ट ऑफ डिकम्पोजिंग प्रॉब्लम इनटू सेवरल वेल ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम एक प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, एक प्रॉब्लम को तोड़ते हैं, किसमें तोड़ते हैं, सेवरल वेल ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स, कुछ छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स में तोड़ते हैं जिससे हमें क्या मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम को वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में तोड़ना, इस तरीके से उनको अरेंज करना जिससे हमें क्या मिल जाए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन। इसमें भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं डिटेल में, ठीक है, जिनको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए इसकी डेफिनेशन पर ही हम स्टिक रहेंगे। इट गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द प्रॉब्लम इज़ बीइंग सॉल्व्ड। ये क्या करता है, हमें अच्छे से ये चीज़ समझा देता है, या हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है स्ट्रक्चर डिज़ाइन की हेल्प से कि प्रॉब्लम को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन ऑल्सो मेक इट सिंपलर फॉर डिज़ाइनर टू कंसेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम मोर एक्यूरेटली। इट मीन्स कि जब हम एक सिस्टम को एक कॉम्पोनेंट्स में, कुछ ग्रुप ऑफ कॉम्पोनेंट्स में तोड़ देते हैं, तो हमें एक क्लियर विजन मिल जाता है कि जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको किस तरीके से हमें टैकल करना है, उनसे किस तरीके से हमें डील करना है।
नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर डिजाइन इज मोस्टली बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी, वेयर अ प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू सेवरल स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड ईच स्मॉल प्रॉब्लम इज इंडिविजुअली सॉल्वड अंटिल द होल प्रॉब्लम इज सॉल्वड। इट मींस कि एक सिस्टम को क्या करना, कंपोनेंट्स में तोड़ देना, ठीक है। कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे तो हमें एक एक प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। हम एक कंपोनेंट उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि एक प्रॉब्लम थी सिस्टम में, सिस्टम को हमने तोड़ दिया तो प्रॉब्लम्स ढेर सारी बढ़ गई, ठीक है। तो अब एक एक प्रॉब्लम को उठाकर हम सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से क्या होगा, दूसरी प्रॉब्लम को उठाएंगे, यानी कि दूसरे कंपोनेंट को उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। होता क्या है कि जब हम चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं तो एक प्रॉब्लम को समझना और उसके साथ किस तरीके से टैकल करना है, वो चीज़ें हमें समझ में आने लगती है। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि प्रॉब्लम को डिवाइड करो और एक एक को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, द स्मॉल पीस ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय द मींस ऑफ सॉल्यूशन मॉड्यूल्स। इट मींस कि प्रॉब्लम को डिवाइड करने के बाद उसके मॉड्यूल में ऐसा क्या करते हैं कि वो चीज़ सॉल्व हो जाए, ठीक है। उसमें हम ऐसे क्या एडजस्टमेंट करते हैं या ऐसे क्या चेंजेस ले आएँ कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये चीज़ हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन में देखते हैं, ठीक है। इस लाइन का मतलब यही है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन एम्फेसिस दैट दीज मॉड्यूल्स बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, दीज मॉड्यूल्स बी वेल ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू अचीव प्रिसाइज सॉल्यूशन। स्ट्रक्चर डिज़ाइन का एम्फेसिस होता है, एम्फेसिस करती है या मोटिव यही होता है कि इन सभी मॉड्यूल्स को, जो सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया जाए कि जो सॉल्यूशन है वो आराम से मिल जाए और उसकी प्रॉब्लम को हम क्या कर सकें, आराम से नेगलेक्ट कर सकें और सिस्टम की जो रिस्क है उसको कम से कम कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें।